ताजातरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं कृतिका। खबर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से है, जहां आज जगदलपुर विधायक रेखचंद्र जैन सभी जरूरतमंद एवं बेसहाराओं को अपना मूलभूत समय दे रहे हैं। इसके साथ साथ ही उनकी जरूरत थी बहुत सी सामग्री भी उपलब्ध करा रहे हैं। लॉकडाउन के चलते जनता अपनी आर्थिक स्थिति से बहुत परेशान है। जनता की परेशानियों को देखते हुए रेखचंद्र जैन अपनी जनता को परेशान देखकर एवं उनकी परेशानियों को सुनकर जो स्वेच्छा अनुदान की राशि होती है, इस बात को लेकर जगदलपुर विधानसभा के अंतर्गत जो जरूरतमंद लोग थे, किसी को अपने बच्चों की पढ़ाई, किसी का अपने माँ बाप की सेवा, किसी का अपने पति का इलाज के लिए, इस चीज को लेकर जगदलपुर विधायक रेखचंद्र जैन स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी को एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर टीएससी देव जी एवं बस्तर के मंत्री कवासी लखमा जी से बोलकर एक पत्र लिखे थे, जो स्वीकृत होकर 12 लाख रुपए आए और अब उस राशि को अपना मूलभूत समय निकालकर जगदलपुर विधायक रेखचंद्र जैन लोगों के ज़रूरत अनुसार उनकी सारी समस्याओं को जानकर उनकी आर्थिक परेशानी संभल जाए, इसके लिए उन्हें चेक द्वारा राशि भी प्रदान कर रहे हैं। प्राइम न्यूज 24 के लिए मोहम्मद अल्ताफ की रिपोर्ट। 2 महीना पहले जो स्वेच्छा अनुदान की राशि होती है, इस बात को लेकर जगदलपुर विधानसभा के अंतर्गत जो भी जरूरतमंद लोग थे, किसी को अपने बच्चे की पढ़ाई की ज़रूरत थी, किसी को अपने बच्चे के इलाज की ज़रूरत थी, किसी को अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए ज़रूरत थी, किसी को अपने पति के इलाज की ज़रूरत थी, इस चीज़ों को लेकर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर टीएससी देव जी को, हमारे बस्तर के मंत्री कवासी लखमा जी को हमने पत्र भेजा था। वो लगभग 12 लाख रुपए लगभग स्वीकृत होकर आए हैं और मैंने मुख्यमंत्री से विशेष निवेदन किया था कि आपदा का दौर है, कि जो स्वेच्छा अनुदान के लिए हमने पत्र भेजा था, इस वक्त अगर मिल जाता तो लोगों का काफ़ी भला हो जाता। तो त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति दी और वो पैसे आ चुके हैं और लगातार हम घूम कर जो ज़रूरतमंद है, जिनके प्रकरण बना के हमने भेजा था, उनको बाकायदा पैसा हम पहुँचाने का काम कर रहे हैं और उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं और उनसे ये भी कह रहे हैं कि कभी भी हमारे लिए कोई ज़रूरत हो, हम बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं।